नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिगुरु शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण केदारनाथ धाम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जिसका सीधा प्रसारण ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रांगण से मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ। इसमें संत समाज के विद्वान ब्राह्मण श्रद्धालु सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, नवागत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मानदाता विधायक नारायण पटेल, जिलाध्यक्ष सेवादास सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता सहभागी बने। ओमकारेश्वर के महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से मार्कंडेय संन्यास आश्रम के महंत प्रणवानंद जी और अन्य संतों ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर पूजन अभिषेक किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर दर्शन का लाइव प्रसारण के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि देश में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। कई सौगातें दी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव विकास के रास्ते खोले जाएंगे। विधायक सांसद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर शीघ्र कार्य योजना तैयार कर यहां का विकास करेंगे। नवागत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि नया सांसद बनकर दिल्ली में जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है मेरे कोई भी कार्य अधूरे नहीं होंगे। शपथ लेने से पहले देवास, खंडवा, खरगोन लोकसभा क्षेत्र के कलेक्टरों से मिलकर इस प्रकार लोकसभा क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। चर्चा करने के बाद शपथ लूंगा, ताकि वहां से आने के बाद क्षेत्र की जनता से किया वादा पूरा कर सकूं। विधायक नारायण पटेल ने कहा कि केदारनाथ से सीधा प्रसारण ओमकारेश्वर में हुआ, बड़ा भाग्यशाली हूं। मेरे मानदाता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हुए। हाल ही लोकसभा के चुनाव में किन कारणों से मतदान कम हुआ, उसकी समीक्षा जरूर करेंगे। विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से पटेल ने कहा कि वरिष्ठ नेता कैलाश जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। सभी से मिलकर क्षेत्र का विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट। आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नाम ले, किसी पास मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नाम हमारे देश की जड़ों में आध्यात्मिक जड़ें बहुत गहरी जड़ें जमी हुई है। और इसलिए इसी ने एक बार ने कहा था कि क्या बात है कि उसकी हमारी हस्ती इसीलिए निभती है कि हमारी जड़ों में आध्यात्मिक ताकत है। और इसलिए ओंकारेश्वर ओंकार महाराज जी बात यही कि अन्य स्थानों की जगह से यहाँ पर थोड़ा विकास कम है। जब मैं पहले चार था तब मैंने कुछ पेट्रोल काम करा था, पर उसके बाद शायद काम हुआ नहीं। हम सब मिलकर अच्छा प्लान बनाएंगे ज्ञानेश्वर जी, और ओंकार भारत का एक अच्छा विस्तार देखिए। जहाँ पर भी विकास होता है तो थोड़ा बलिदान करना होता है। सड़कें कमी होगी तो मकान टूटेंगे, दुकान टूटेगी, फिर आओगे करें हमारे मकान टूट गया, हमारा दुकान टूट गया। तो ऐसा है कि जब विस्तार होगा तो चोरीकरण होगा तो थोड़ा हमारा नुकसान भी होगा। तो इस सब का मन बनावा तो फिर यहाँ के विकास की कोई योजना बनाते हैं। गुरु सबसे ज्यादा फोन आप ही करते हो, हमें हमें थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा अगर यहाँ का विस्तार करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज्ञानेश्वर भगवान है और मृदुल भैया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो काम करने का अनुभव भी है। तो उनके माध्यम से यहाँ पर हम सब लोग मिलकर विकास करेंगे।
आज प्रधानमंत्री जी को हमने सुना, केदारनाथ का हमने विकास देखा, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन किए, और यहाँ पर भी आदि शंकराचार्य जी प्रतापित करी रही है, यहाँ पर भी विकास है, ये सब हम फिर प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको और उस स्थान को विकसित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के स्थान केदारनाथ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर उन्हें कई सौगातें दी। मैं ज्यादा लंबे भाषण न देते हुए हमारे प्रदेश की धड़कन और देश की धड़कन हमारे बीच में है, मुझे कोई कंजूसी नहीं मुझे मांगने में के लिए निकला हूँ। हमारे ज्ञानेश्वर जी हमारे राम भाई मांगने के लिए लिखते हैं कि हमारा क्षेत्र का क्या विकास हो। मैं आह्वान करता हूँ हमारे आदरणीय विजयवर जी से, बड़ा उनका हमारे पे आसीन कृपा है, वो यहाँ जा गए हकीकत जीत मिली था। मेरे अपने विधानसभा चुनाव में भी जहाँ जा गए उनका एक कुशल नेतृत्व, तो मैं आह्वान करता हूँ हमारे साथियों की ओर से ओंकारेश्वर तमाम हमारे साथियों की ओर से कि हमें जिस प्रकार उज्जैन का आप ध्यान रख रहे हैं, ऐसा ही एक नई कार्य योजना बनाकर हमारे ओंकारेश्वर के लिए भी हम लोगों को इस प्रकार सौगात देश से दिलाएंगे, प्रदेश से दिलाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है, आप भी एक संस्कारिक व्यक्ति हैं, अवतारी पुरुष है, मैं तो ये कहूंगा। हमारे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने भी कई ऐसे हमारी धार्मिक संस्थाओं को उत्थान किया है, गाड़ियां चलाई, हम लोगों का बड़ा ध्यान रखते हुए, और हम वो संस्कारवान लोगों के लिए खासकर हमारे वर्ग के लिए समस्त हिंदू परिवार या चाहे मुस्लिम परिवार सबका ध्यान रखते हुए इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर बहुत बड़ा विकसित काम किया। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, तो ये क्षेत्र भी बड़ा विकसित हो, और मुझे पूर्ण उम्मीद है मैं आज के इस अवसर पर जितने हमारे जी के द्वारा किया गया इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम में पूरे देश भर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ प्रत्येक जिले में शिवालय, जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ वहाँ पर लाइव प्रसारण का कार्यक्रम किया गया। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके चेहरे प्रदेश के ही नहीं हमारे देश के भी लाडले नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे बड़े भाई साहब, आदरणीय हमारे भुवनेश्वर की जो मंदिर हमारी पावन भूमि है, इस पावन भूमि को धार्मिक नगरी के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की नगरी भी बने, इसके लिए क्योंकि मैं यहाँ से पहली बार निर्वाचित होकर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में मेरा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। मेरी भाई साहब से बात हो चुकी है कि भाई साहब मैं दिल्ली में नया हूँ, आपको ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र जो है ये आपका ही लोकसभा क्षेत्र समझते हैं। मैं भी खंडवा के कलेक्टर के साथ में भी, बुरहानपुर के कलेक्टर के साथ में भी, और खरगोन कलेक्टर और देवास कलेक्टर के साथ लोकसभा में शपथ लेने के पहले हमारे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या हमको करना चाहिए, ओंकारेश्वर की पर्यटन नगरी को किस तरह से विकसित करना चाहिए, यहाँ बैठकर इन लोगों के साथ में हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी के साथ बैठकर पूरा प्लान तैयार करके ले जाऊंगा, ताकि जब शपथ लूँ तो वहाँ से कुछ जब वापस आऊँ तो कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भाई साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा दृष्टि हमारे लोकसभा क्षेत्र पर रहेगी, क्योंकि अभी 3 उपचुनाव हुए लोकसभा के और 3 में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 3 में हम जीत कर जा रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी
और इतनी विकट परिस्थितियां होने के बावजूद आप सब लोगों ने आशीर्वाद और जो सहयोग मुझे दिया है, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।